हाय गाइस, जय श्री महाकाल। मैकोटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स फॉर मैकेनिकल वीडियो सीरीज का चौथा वीडियो, और आज का वीडियो इसरो से ज्यादा रिलेटेड है। इसरो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमेशा पूछी जाती है और मैक्सिमम लोग उसे छोड़ के आते हैं। तो मैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। दोस्तों, इसरो से रिलेटेड ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जेट प्रोपल्शन। जाहिर सी बात है, इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो जेट प्रोपल्शन के क्वेश्चंस वो हमेशा देता है, और हम हमेशा ये कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है, ना ही हमेशा पढ़ के जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं और हमेशा इसके क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं आज की कंसेप्ट शुरू करता हूँ। इसे आखिरी तक आप देखिएगा, आपको जेट प्रोपल्शन से रिलेटेड लगभग लगभग सभी क्वेश्चंस जितना जरूरी है वो क्लियर हो जाएगा, और इसके न्यूमेरिकल भी आप बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, और इस बार आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे अगर वो क्वेश्चन आया तो। मैं क्वेश्चंस भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा ये वाला। तो बाकी के क्वेश्चंस में और इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंप्रेसिबल फ्लो, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, और उससे रिलेटेड कभी करीब 15 से 20 क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस और इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस में उस नेक्स्ट वीडियो में अपने आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेट प्रोपल्शंस में पहले टर्बो प्रॉप इंजन्स और रॉकेट इंजन्स के बारे में देख लेते हैं हम। रॉकेट इंजन्स और जेट इंजन्स और टर्बो प्रॉप, पल्स जेट इंजन, टर्बो जेट इंजन, इनमें क्या डिफरेंस है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जेट प्रोपल्शन जो है वो मेनली न्यूटन के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ से रिलेटेड है। कोई भी फ्लाइंग व्हीकल, ये जो आप देख रहे हैं ये एक फ्लाइंग व्हीकल है, तो कोई भी फ्लाइंग व्हीकल है वो जेट प्रोपल्शन पर अगर बेस्ड है तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ और सेकेंड लॉ पर डिपेंड करता है। अब वो कैसे डिपेंड करता है ये देख लीजिए। जब हम किसी फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में कुछ मोशन इम्पार्ट करते हैं, ये आप फ्लूइड देख रहे हैं, इसका मास फ्लो रेट एम डॉट है, एम डॉट वी है। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड को मोमेंटम इम्पार्ट करते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, जिस रिएक्शन को बोलते हैं प्रपल्सिव फोर्स, या रिएक्शन फोर्स या प्रपल्सिव फोर्स, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। और जो प्रपल्सिव फोर्स होता है वो न्यूटन का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, जो रिएक्शन रिएक्टिव फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दिस फ्लूइड होगा, एफ इक्वल टू एम वी या एम डी वी। तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस लॉ पे बेस्ड होता है प्रपल्सिव इंजन्स। अच्छा, जेट प्रपल्सिव इंजन्स के टाइप्स देख लेते हैं। एटमोस्फेरिक जेट इंजन होते हैं और रॉकेट इंजन होते हैं। एटमोस्फेरिक जेट इंजन्स को ब्रीदिंग इंजन भी बोलते हैं और रॉकेट इंजन को नॉन ब्रीदिंग इंजन बोलते हैं। ये इसरो में एक बार पूछ चुका है ब्रीदिंग। अच्छा, ये ब्रीदिंग का मतलब ये हुआ कि जो जेट इंजन होगा वो अपनी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा, कंबशन के लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, तो वो अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल सोर्स से पूरी करेगा, यानी कि एटमोसफियर से, इसलिए इन्हें एटमोस्फेरिक जेट इंजन बोलते हैं या ब्रीदिंग इंजन बोलते हैं। एयर इंटेक करते हैं, फिर वो फ्लूइड के साथ मिक्स होकर कंबशन होता है, और एक हाई एनर्जी वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी से फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में इम्पार्ट होता है, जिससे हमें रिएक्टिव फोर्स मिलता है और जिससे प्रपल्सिव इंजन मूव करता है। अच्छा, रॉकेट इंजन नॉन ब्रीदिंग इंजन होता है। अच्छा, इन्हें नॉन ब्रीदिंग इंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सटर्नल ऑक्सीजन की जरूरत इन्हें नहीं पड़ती है, स्पेस में भी इन्हें भेजा जा सकता है क्योंकि इनके अंदर ओन इनका खुद का ऑक्सीडाइजर होता है, जो फ्लूइड फ्यूल होता है उसमें खुद का ऑक्सीडाइजर मिक्स होता है, और इसकी जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है, फ्यूल कंजप्शन बहुत ही हाई होती है और मैक्सिमम होती है। पूछ सकते हैं कि रॉकेट इंजन की जो मैक्सिमम फ्यूल कंजप्शन किस में होता है, तो रॉकेट्स में होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। दोस्तों, एक डिफरेंट टाइप का इंजन है रैमजेट इंजन। मैक्सिमम प्रोपल्सिव इंजन में कंप्रेसर होता है, लेकिन रैमजेट इंजन में कंप्रेसर नहीं होता। इस टाइप के इंजन जब मूव करते हैं इन्हें, तो इनके जो मोशन से एयर को कंप्रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नोजल और डिफ्यूजर।
इसका ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं रैमजेट इंजन का। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग में एक सुपरसोनिक डिफ्यूजर होता है जहाँ एयर इनटेक होती है। सुपरसोनिक डिफ्यूजर है यानी कि वो बाहर की जो एयर है उसको हाई वेलोसिटी आउटलेट पे हाई वेलोसिटी फ्लूइड में कन्वर्ट कर देगा, और वो हाई वेलोसिटी फ्लूइड सबसोनिक डिफ्यूजर में अगर जाएगा तो वो प्रेशर जनरेट करेगा, हैवी प्रेशर जनरेट करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा और स्टैटिक प्रेशर एक जनरेट करेगा। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, रैम प्रेशर, ये पूछ सकते हैं रैम प्रेशर। फिर ये हाई प्रेशर फ्यूल कंबशन चेंबर में जाता है। कंबशन चेंबर में ये फ्यूल के साथ मिलता है हाई चेंबर फ्लूइड, ये कंबशन चेंबर में जाता है और फिर ये कंबशन चेंबर में फ्यूल फ्लूइड फ्यूल के साथ मिक्स होके नोजल में जाता है, और नोजल में जो हाई प्रेशर है वो हाई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो एग्जिट पे हैवी हैवी एनर्जी एग्जॉस्ट देता है, जिससे वही न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ फॉलो करता है और रैमजेट इंजन चलता है। अच्छा, रैमजेट इंजन की एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, बट एक इसकी लिमिटेशन है, रैमजेट इंजन खुद अपने आप से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसमें कोई एक लॉन्चिंग डिवाइस चाहिए या एक पेरेंट व्हीकल चाहिए इसे लॉन्च करने के लिए। स्पेस एक्स अभी कर रहा है, स्पेस एक्स एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो रैमजेट इंजन यूज कर रही है, मतलब इस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है वो। इसमें भी फ्यूल कंजप्शन बहुत हाई होता है। इसके बाद आता है टर्बोजेट इंजन। यही वो इंजन है जो आपने हर इंडिगो की फ्लाइट में और हर किंगफिशर की फ्लाइट में और हर इंडिया की फ्लाइट में देखा होगा। तो टर्बोजेट टाइप के जो इंजन होते हैं वो सबसे ज्यादा सुटेबल होते हैं, दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर द एयरक्राफ्ट इंजन एंड दे आर हैविंग अन इंटरप्टेड कम्बशन, इट मीन्स दे हैव कंटिन्यूस कम्बशन प्रोसेस अकरिंग। एंड हियर वी कैन सी इट्स ब्लॉक डायग्राम, डिफ्यूजर, कंप्रेसर, कंबशन चेंबर, वन टर्बाइन इज अटैच विद द नोजल, एंड दिस काइंड ऑफ इंजन्स आर लेस एफिशिएंट बिलो 550 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली मोस्टली दे आर हैविंग वेलोसिटी ग्रेटर देन 800 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मोस्ट एफिशिएंट होगा अगर ये 800 किलोमीटर आवर से ज्यादा की स्पीड पे होता है। और टर्बाइन, आप सोच रहे होंगे टर्बाइन क्यों लगाई, पावर जनरेशन के लिए, पैसेंजर एयरक्राफ्ट है ना, पैसेंजर एयरक्राफ्ट कार्गो एयरक्राफ्ट है तो इसमें लोग बैठे हैं तो पावर जनरेशन चाहिए, तो इसलिए टर्बाइन लगाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं, पल्स जेट इंजन। पल्स जेट इंजन और टर्बो जेट इंजन में डिफरेंस ये है कि टर्बो जेट इंजन में कंटिन्यूअसली कंबशन होता है, पल्स जेट इंजन में इंटरमिटेंट कंबशन होता है। इसमें भी इंटरनल कंबशन होता है, बाहर से एयर आई फ्यूल से मिक्स हुई, लेकिन कंटिन्यूअसली फ्यूल ऑपरेट नहीं है, कंटिन्यूअसली फ्यूल इंटेक नहीं होता है, इंटरमिटेंट कंबशन होता है, पल्स की फॉर्म में कंबशन होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पूछ सकते हैं, हाई नॉइस एंड वाइब्रेशन इसमें जनरेट होता है और ये सिर्फ एटमॉस्फेयर में यूज हो सकता है, बिना एटमॉस्फेयर में ये काम नहीं करता। नेक्स्ट देख लेते हैं, टर्बो प्रॉप इंजन है। टर्बो प्रॉप इंजन ये आपने हेलीकॉप्टर्स में यूज होते हुए देखे होंगे, टर्बो प्रॉप इंजन या टर्बो जेट इंजन। अब इसमें टर्बो टर्बो प्रॉप जेट इंजन सॉरी, तो इसमें और टर्बो जेट इंजन में डिफरेंस ये है कि ये टर्बो जेट इंजन और प्रोपेलर डिवाइस ड्राइवन बाय रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बीच की एक मशीन है। इसमें एक प्रोपेलर रोटेटिंग डिवाइस भी होता हैवी रिडक्शन गियर मैकेनिज्म भी होता है इसमें, सॉरी हैवी रिडक्शन नहीं, हाई आरपीएम, हाँ यस सर, हैवी रिडक्शन गियर यूज होता है इसमें हाई आरपीएम के लिए और लो टॉर्क आउटपुट के लिए। तो ये आपने एयरक्राफ्ट में देखा होगा, हेलीकॉप्टर। तो इस इंजन की प्रॉब्लम ये है कि हैवियर इंजन है ये एज कम्पेयर टू प्रॉप जेट, एज कम्पेयर टू टर्बो जेट। प्रॉप जेट इंजन आर विद सिमिलर पावर कैपेसिटी, दे आर हैवियर इंजन, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और बहुत ही स्मॉल फ्लाइट के लिए यूज होता है ये, बड़ी फ्लाइट के लिए यूज नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं रॉकेट प्रोपल्शन। देखिए रॉकेट इंजन में ज्यादा समझने के लिए कुछ है नहीं, रॉकेट प्रोपल्शन में मैंने आपको अभी रॉकेट इंजन बताया था, नॉन ब्रीदिंग इंजन होता है ये, अपना खुद का ऑक्सीडाइजर लेके चलते हैं, फ्यूल के साथ ऑक्सीडाइजर इनका खुद का रहता है जो अपनी खुद की ऑक्सीजन बनाते हैं, और उससे बेनिफिट ये है कि आप इसको स्पेस में भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स WMDs वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इस तरीके वेपन्स इसमें यूज हो रहे हैं, किंग जामू
अब आपको थोड़ा हल्का हल्का ध्यान आ रहा होगा, ये डिफेंस में मिसाइल्स के लिए यूज होते हैं, रॉकेट के लिए यूज होते हैं, अच्छा, और स्पेस मिशंस में भी यूज होते हैं ये। तो इनकी जो स्पीड होती है वो मार्क 5 से ज्यादा होती है। मार्क 5 मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार। मार्क 5 मीन्स स्पीड ऑफ अ व्हीकल हैविंग मोर 5 टाइम्स मोर वेलोसिटी देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, 100 से ज्यादा होता है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो क्या होता है, जो इंजन है कितना थ्रस्ट जनरेट करेगा अपॉन उसका खुद का वेट। मतलब जो रॉकेट इंजन होते हैं वो अपने खुद के वेट से भी 100 गुना ज्यादा थ्रस्ट देते हैं, अपने खुद के लोड से भी 100 गुना ज्यादा पेलोड उठा सकते हैं। इसका मतलब ये। अच्छा, फाइटर एयरक्राफ्ट आपने देखे होंगे, F-16, F-35, हमारा तेजस, MiG-29, 20, इनका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो होता है वो 2 से 3 होता है। मतलब अपने वेट से 2 से 3 गुना ज्यादा लोड वो उठा सकते। पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं हमारे, इंडिगो विंडिगो ये सब, ये इनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 या 1 से कम होता है, 1 से कम ही होता है। इनका जो थ्रस्ट होता है ये जो अपने एग्जॉस्ट में जो इंजन निकालते हैं वो अपने खुद के वेट से भी कम होता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये उड़ता कैसे है, ये तो हमें बेवकूफ बना रहा है। वो उड़ता इसलिए है क्योंकि ड्रैगन लिफ्ट के कारण वो ग्लाइडिंग मोशन करता है, और वो ड्रैग जो लिफ्ट जनरेट होती है उसके कारण वो ग्लाइड कर जाता है। उसके विंग इसीलिए, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट के विंग इसीलिए बड़े होते हैं, उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो कम होता है, और वो विंग अपने जो ग्लाइडिंग मोशन करता है वो उसके कारण वो अब इतना कम थ्रस्ट के कारण भी वो उड़ पाता है। लेकिन जेट रेशो जो जेट जेट जो फाइटर जेट्स होते हैं उनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफी हाई होता है, 2-3 होता है, इसलिए उनके जो विंग्स हैं वो छोटे होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, ये मिस मत कीजिएगा, या डायरेक्टली आप इस पॉइंट पे आके देख लीजिएगा वीडियो। जेट प्रोपल्शन से रिलेटेड जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स आता है, तो ये आप बिल्कुल देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ऐड कर लीजिएगा, और जो कंसेप्ट जो मैंने बताएंगे वो भी आप चाहें तो लिख सकते। तो ये टर्बोजेट इंजन है, ये इसका पीछे एग्जॉस्ट निकल रहा है। वैसे इंजन टर्बोजेट इंजन के जो इंजन होते हैं, टर्बोजेट प्लेन्स के जो इंजन होते हैं वो साइड में विंग पे होते हैं, यानी पीछे बना दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो इसकी जो पीछे से जो फ्लूइड एग्जॉस्ट निकल रहा है, फ्लूइड हाई काइनेटिक एनर्जी से फ्लूइड निकल रहा है, या एयर निकल रही है जो फ्यूल कंबशन फ्यूल के साथ ऐड, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ जेट बोलेंगे हम उसे, जेट वेलोसिटी है ये बीजे, और उसका मास फ्लो रेट क्या है, एम है, एयर फ्लो रेट, ए एयर फ्लो रेट। और जो इसके कारण जो रिपल्सिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है जिसके कारण व्हीकल मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी होगी, व्हीकल की वेलोसिटी एयर की रिस्पेक्ट में वो कितनी होगी, वी ए, व्हीकल की वेलोसिटी, वी वी भी लिख सकते हैं आप इसे, ये इसलिए लिखा है कि वो ए के रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में। आप नोटेशन आपके हिसाब से जो आपको याद रहे, सिमेट्रिकल चीजें मैंने बताया था आपको अपने पिछले वीडियो में, सिमेट्रिकल चीजें याद रहती हैं, जो हमें चीजें सिमेट्री में दिखती है वही हमें मेमोरी फॉर्मेशन करने में जल्दी मदद करती है। तो ये 3 नोटेशंस आप याद रखिएगा, सभी में यूज होगी हर टाइप के इंजन में। ए में एयर की जो वेलोसिटी, जेट वेलोसिटी जो सॉरी एयर का जो फ्लो रेट है kg/s में, बीजे जेट वेलोसिटी, वी ए व्हीकल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, आई मीन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट मिल रहा है प्लेन को, या प्रपल्सिव फोर्स या रिएक्टिव फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस के कारण जो प्रपल्सिव फोर्स मिल रहा है वो थ्रस्ट हो गया। इसी थ्रस्ट की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो वो क्या हो गया, जो थ्रस्ट जो होगा, अभी मैंने बताया था न्यूटन सेकेंड लॉ, थ्रस्ट के जो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम, एम मास ऑफ एयर इंटू जेट वेलोसिटी माइनस व्हीकल वेलोसिटी, कितना मोमेंटम जा रहा है और कितना आ रहा है उसका डिफरेंस। सिंपल सा आप इस तरीके से याद रख, आ रहा है कौन, आ रहा है कौन, जा रहा है उसका डिफरेंस, तो वो हो जाएगा प्रपल्सिव फोर्स। तो प्रपल्सिव फोर्स आ गया, थ्रस्ट फोर्स आ गया, थ्रस्ट फोर्स टी याद रखिएगा, एफ चाहे तो एफ आप FT लिख लें इसको, थ्रस्ट फोर्स फर्क नहीं पड़ता, टी उसमें टॉर्क में कंफ्यूज मत हो, ये न्यूटन इसकी ऐसा यूनिट है।
अच्छा, सेकंड फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन आता है। तो थ्रस्ट पावर आप निकाल लेंगे डायरेक्टली, थ्रस्ट पावर क्या होगी, एफ वी। पावर क्या होती है, एफ वी टी वी। वी क्या हो गया, व्हीकल वेलोसिटी, थ्रस्ट इंटू वेलोसिटी, एम ए इंटू वी जे माइनस वी ए इंटू वी ए। तो ये थ्रस्ट पावर हो गया, ये पावर ऑफ द व्हीकल हो गया। स्पेसिफिक थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन मास ऑफ द एयर, थ्रस्ट अपॉन मास। तो थ्रस्ट का फॉर्मूला भी हमने देखा ही था, इसको चेंज इन द वेलोसिटी भी कर सकते हैं। थ्रस्ट अपॉन मास, थ्रस्ट क्या होगा, एम ए इंटू वी जे माइनस वी है, तो एम ए कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो चेंज इन द वेलोसिटी वी जे माइनस वी है, स्पेसिफिक थ्रस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फॉर्मूला है प्रोपल्सिव इफिशियंसी, एनपी। प्रोपल्सिव इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट में जो हमें पावर मिल रही है वो जो इनपुट पावर है, आउटपुट में हमें क्या पावर मिल रही है, जो भी हमने देखी थी थ्रस्ट पावर जो हमारे काम की है। जो फ्लूड वेलोसिटी होती है वो तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलता है, लेकिन हमें आउटपुट में तो इतनी वेलोसिटी थोड़ी मिलती है व्हीकल की, तो जो हमें मिलता है वो क्या होता है, थ्रस्ट पावर। और इनपुट में हम क्या वेलोसिटी देते हैं, प्रपल्स इनपुट पावर, या प्रपल्सिव काइनेटिक एनर्जी, या प्रपल्सिव पावर भी बोल सकते हैं इसको। अब प्रपल्सिव पावर को क्या मतलब, जो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंटरिंग एंड द एग्जिटिंग गैस, गैस किस स्पीड से इंटर हो रही है माइनस किस स्पीड से बाहर जा रही है, अलग स्पीड से जाएगी ना, कंबशन होने के बाद उसकी वेलोसिटी काफी हाई हो जाएगी, तो उसके जो डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी का वो हमारे इनपुट पावर हो गए। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आउटपुट पावर में वही थ्रस्ट पावर, एम ए इंटू वी जे माइनस वी ए इंटू वी ए, व्हीकल वेलोसिटी वी ए, अपॉन हाफ एम वी, हाफ एम ए वी जे स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें मैथमेटिक्स का याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वी जे माइनस वी ए कैंसिल हो जाएगा, तो वी ए टू एम ए में कैंसिल हो गया, टू वी ए अपॉन वी जे प्लस वी ए। तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल ध्यान रखिए, टू वी ए अपॉन वी जे प्लस वी ए, है ना। अब इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, टू वी ए अपॉन वी जे प्लस वी ए, इसमें वी जे होता है वो नीचे होता है, ये ध्यान रखिए, इससे ज्यादा क्या होगा। चलिए कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं, स्पेसिफिक इंपल्स क्या होती है, थ्रस्ट पावर, थ्रस्ट अपॉन वेट ऑफ द प्रोपेलेंट। थ्रस्ट जो अभी वही हमने टी का फॉर्मूला निकाला था, वेट ऑफ द प्रोपेलेंट ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, एम ए इंटू जी, ये हो गया। अच्छा, टी एस एफ सी क्या हो गया, थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन अपॉन थ्रस्ट। तो एम एफ मास ऑफ द फ्यूल है, मास ऑफ एयर नहीं है, ये ध्यान रखना, मास ऑफ फ्यूल है मास ऑफ एयर नहीं है। एम डॉट एफ, क्योंकि बहुत गलत हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आपने एम ए लगा दिया, मास ऑफ एयर और मास ऑफ फ्यूल में जमीन आसमान का फर्क होता है, 1:40, 1:50 का डिफरेंस होता है, जितने में एयर आ रही है उसका 1/40 पार्ट फ्यूल होता है बस। तो मास ऑफ फ्यूल अपॉन टी, ये देख लेना आप, रॉकेट्स का देख लीजिए, रॉकेट की जो थ्रस्ट पावर होती है अगर पूछ ले तो दुनिया जहां की जितनी भी चीजें हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ट्रिक आपकी याद रखिए, जितनी भी चीजें दे रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना, मास को, वीजे को, वीजे को, तो ये रॉकेट की पावर आ जाएगी। मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा, अब देख लेना, फॉर्मूला याद रख लेना बस, एम ए इंटू वीजे इंटू वी ए। अब इसकी जो प्रपल्सिव पावर क्या होगी, एम बाय टू वीजे स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर, इसमें माइनस नहीं आएगा इसमें प्लस आएगा, एम ए एम ए बाय टू वीजे स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर, रॉकेट में प्लस आएगा, तो इसमें यह चीज ध्यान रखिएगा। अब इसकी जो प्रपल्शन इफिशियंसी होगी, जो हमारा थ्रस्ट पावर अपन प्रोपल्सिव पावर कर दीजिए, तो ये क्या होगा, टू वी जे इंटू वी ए अपॉन वी जे स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर, ये आप लिख लीजिएगा इसको, और कुछ ट्रिक हो तो बना लीजिएगा इसकी, वैसे तो जरूरत नहीं है इसके, क्वेश्चंस एक दो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर इंटरनेट पे मिल जाएंगे तो। अच्छा, टर्बो प्रॉप का देख लीजिए, टर्बो प्रॉप जो इंजन होते हैं उसकी जो प्रोपल्सिव इफिशियंसी होती है, टू सिग्मा अपॉन 1+ सिग्मा। अब सिग्मा क्या होता है, वी ए अपॉन वी जे, व्हीकल वेलोसिटी अपॉन जेट वेलोसिटी, इसको याद रखना है, तो ये तो याद रहेगा, 2 सिग्मा अपॉन 1+ सिग्मा, सिग्मा 1 से कम होगा क्योंकि व्हीकल की वेलोसिटी तो जेट वेलोसिटी से कम ही होगी, आउटपुट कभी इनपुट से ज्यादा मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, तो ये वी ए अपॉन वी जे सिग्मा 1 से कम होगा, तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, ये थी आज की कंसेप्ट,
मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो मैं एक दो दिन में डालने वाला हूँ, वो भी इसरो से रिलेटेड है, कंप्रेसिबल फ्लो दूसरी अदर कंसेप्ट से, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं उसमें ऐड करूँगा, सिर्फ उसी पे एक वीडियो बनाऊँगा इसरो में, जो हमेशा गलत होते हैं या हम छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन एक देख लीजिए इस पर पहले। बहनों और भाइयों, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, 2017 को ही पूछा गया था, जो दिसंबर वाला जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा क्या था, अ जेट इंजन कंज्यूम्स 1 kg ऑफ फ्यूल फॉर ईच 40 kg ऑफ एयर इनटेक, फ्यूल कंजम्पशन इज 1 kg per second व्हेन एयरक्राफ्ट ट्रेवल्स इन एयर एट 200 m/s, वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज गैस विद रिस्पेक्ट टू इंजन 700 m/s, द पावर डेवलप्ड बाय इंजन इज एक्स वाई जेड ABCD। अब इसे जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने बताया है, और एक्चुअल में क्या कैसे सॉल्व करना है ये भी बताया है। हमें थ्रस्ट पावर पूछी और कुछ नहीं पूछा है, तो पहले तो थ्रस्ट निकालना पड़ेगा। थ्रस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ma z into z velocity minus vA, और थ्रस्ट पावर भी बताया। तो देखिए क्वेश्चन, थ्रस्ट पावर क्या होगी, ma vJ minus vA, 40 × 700 − 200, तो ये क्या आ गया 40 × 500, 20,000 किलो न्यूटन। अब एफ ये कर दीजिए, पावर प्रोपल्सिव फोर्स इंटू वी ए, वी ए क्या है, वेलोसिटी क्या थी 700, सॉरी इन स्टील एयर 200, तो 20 × 200 और 4000 kW। बिल्कुल भी टाइम ना बर्बाद करते हुए डी पे टिक कर दीजिए। अच्छा, ऑप्शन में तो 4140 दिया हुआ है, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, देखिए ये इसरो एग्जाम है, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, इसलिए मैंने आपको फास्ट मेथड बताई जिसमें फ्यूल मास वाज नेगलेक्टेड, इसमें फ्यूल मास नेगलेक्ट कर दिया है हमने, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 kg ऑफ फ्यूल फॉर ईच 40 kg ऑफ एयर, तो 1 kg ऑफ फ्यूल हमने नेगलेक्ट कर दिया था उससे, क्योंकि उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। कैसे नहीं पड़ क्यों पड़ नहीं पड़ रहा था वो ये देखिए, एक्चुअल मेथड देखिए राइट हैंड साइड पे, हमारा थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, चेंज इन द मोमेंटम, एक्चुअल मोमेंटम क्या हो गया, मास आउट इनटू वेलोसिटी आउट माइनस मास इन इनटू वेलोसिटी, कितना बाहर गया मोमेंटम माइनस कितना आ रहा है। अब कितना आ रहा था, व्हीकल 200 की स्पीड से चल रहा है, तो 40 kg एयर अंदर से आ रही है, ठीक है ना, तो ये मास इन हो गया, मास इन तो हमें समझ में आ गया, 40 मास इन अंदर आ रहा है, लेकिन जब कंबशन चेंबर में मास 40 kg ऑफ मास एयर इंटर हुई, तो साथ में 1 kg ऑफ फ्यूल भी तो एंटर हुआ, 1 kg ऑफ फ्यूल फॉर ईच 40 kg ऑफ एयर इनटेक, तो टोटल मास आउट कितना हुआ, 41 हुआ ना, मास आउट इनटू वेलोसिटी ऑफ 41 × 700 − 40 × 200, ठीक है, तो 28700 − 800, तो ये क्या आ गया 20700। अब पावर निकाल लीजिए, पहले हमारा क्या आ रहा था 20 kN, अभी 20.7 kN आ रहा है, तो पावर क्या हो गई 20.7 kN × 200, तो 4140। तो ये था इसरो से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स का पहला वीडियो। दोस्तों प्लीज इसे अगर आपको पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसे आप जरूर देखिएगा, और शॉर्ट ट्रिक्स से रिलेटेड और भी वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।